मैं बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज हम रास्ते पे आ गए हैं लड़कियां, फिर भी सरकार को मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। रोज मतलब कोई ना कोई ऑफिस में जाते हैं कि परमिशन के लिए, तब भी परमिशन नहीं मिलती लड़कियों को। हम मान भी जाते हैं कि भाई हमने तो मोदी को इसलिए वोट दिया था भाई कि इनके पीछे कोई नहीं है, ना इनका परिवार है, ना मतलब संत आदमी है भाई, करेंगे तो हमारे ही लिए करेंगे ना, हमारे ही लिए करेंगे, किसके लिए करेंगे, पैसा खाएगा किसके लिए खाएगा भाई, कहाँ रखेगा पैसा, हमारे लिए करेगा। लेकिन इनके दाढ़ी के पीछे तो कुछ और में ही मसला निकल गया भाई। अच्छा। ये तो प्राइवेटेशन प्राइवेटेशन में देश को बेचना शुरू कर दिए। अरे कुछ लगाओगे भी क्यों, उखाड़ते ही जाओगे। लेकिन सुंदर तो लगते हैं दाढ़ी में एक बात। अरे सुंदर उनके सुंदरता पे भाई उनकी शादी थोड़ी हो जाए, शादी करवाना चाह रहा हूं। ऐसी बातें यार, उनको सुंदरता को क्या लेना देना है, मन से सुंदर होना चाहिए भाई। तन से सुंदर क्या मतलब, मन उनका, अगर मन उनका महिला है तो सामने से खूबसूरत है तो क्या मतलब निकलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। एक चाय वाला हम गरीबों के लिए सोचो कितना करेगा, सही बात है। लेकिन ये तो चाय के धंधे वाले इंसान चाय ही सुझाव दे रहे हैं, ये कैसा हो गया। मतलब चाय के धंधा आपने किया तो सबको चाय बिछवाओगे आप, पकौड़े ही तलवाओगे, उस धंधे पे ना ले जाओ आप, आपको जिसके लिए बनाया गया है वो आगे आगे काम करवाओ। पकौड़े भी कैसे तलोगे, हाथ तोड़ दिया उन्होंने तो, कैसे तलोगे पकौड़े भैया, पकौड़े भी ना तल सकते, पकौड़े भी तलने का लायक भी नहीं छोड़ा यार तो। क्या हालत कर दी है, आपको लगता था कि ऐसे दिन देखने को मिलेंगे कभी? नहीं नहीं, कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि ऐसे दिन पड़ेगा, और नहीं कि सामने भी युवाओं को कौन से दिन देखना पड़ेगा, ये सरकार रहे तो बहुत बुरे दिन देखना पड़ेगा, ऐसा मेरे को लगता है अभी से। जब तक ज्वाइनिंग नहीं दे तब तक तो हम वोट नहीं देंगे अब। अच्छा, तब भी आप बैठे रहेंगे यहाँ पर? हाँ, जब तक की जॉब नहीं मिलेगी तब तक की कहीं नहीं जाएंगे हम। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि जबरदस्ती विकलांग बना देते हैं मोदी? तो बना भी सकते हैं, उन्हों घटाने की बात नहीं है, वहाँ बनाने की बात है। जो विकलांगों से बात करते हैं ना मोदी जी, मतलब तुम विकलांग हो ना, तुम्हारे साथ और दो चार को भेजूंगा, वो भी यंग युवाओं को भेजूंगा मैं, टूटे फूटे वालों को नहीं भेजूंगा, मैं बना के भेजूंगा, ऐसी बात बोलते हैं। एक लाइन में लगाएंगे सबको जी, एक साथ करेंगे, एक साथ करेंगे। आपने बताया नहीं तो ये तो कन्फर्म है भैया, अगले बार बीजेपी की सरकार बिहार में मैं नहीं आने दूंगा। अच्छा, बिल्कुल चेतावनी दे रहे हो? बिल्कुल चेतावनी है ये, बिल्कुल हम कोशिश करेंगे, हम जिला अध्यक्ष भी हैं। आधे से ज्यादा पैरामिलिट्री यहाँ के सांसद विधायक मंत्री सब उन्हीं के पास, सिक्योरिटी उन्हीं के पास। बिल्कुल बिल्कुल, अभी हम भाई साहब चले जाए अमित शाह के घर, अभी भटक के गलती से तो वहाँ 10 पैरामिलिट्री फोर्स घेले, कहाँ से आया, क्या कर रहा था यहाँ के, किस मकसद दे आया भाई, जैसे आतंकवादी ऐसे ट्रीट किया जाता, ऐसे ट्रीट किया जाता, सबको बहुत बहुत बोलते, बहुत खर्चा हुआ मेरा, 5 साल की जो माँ बाप कमाई थी ना, जो पूरा दाव पे लगा दिया, दाव पे लगा के, और नहीं कि मोदी ने मेरे को एक गिफ्ट दे दिए, ये गिफ्ट दिया, तोहफा है, तोहफा है, बहुत बड़ा तोहफा है। वो तो सही सही युवा को जो सही कम से कम अपना पकौड़ी भी तलने के लायक रहता, उसको भी अनलाइक कर दिया, अब ये कहाँ के हैं भाई, अब क्या करेंगे, दर्दनाक स्थिति जी, बहुत घर वाले घर पे रो रहे हैं और हम लोग यहाँ पे दर दर की ठोकरे खा रहे हैं। एक पैरामिलिट्री फोर्सेस में जो भी योग्यता होती है वो हम लोग क्वालिफाई कर चुके हैं, उनके जैसे नहीं है कि बिना दौड़े बिना फिजिकल किए बिना मेडिकल किए बिना रिटर्न दिए जा करके हाँ वर्दी पहन लिया, हम तो भाई सैनिक है, सैनिक हम तो देशभक्त है। जो फुटवेयर की दुकान भी लगाएगा ना, कहेगा भैया एक भेज दे मेरी दुकान की समस्या है, चोर बहुत है, कोई भी खरीद लेगा, सेना के जवान को पुलिस प्रशासन को लगवा लेगा दो दो तीन तीन करके। हम लोग की राम मंदिर मनाने से मिट जाएंगे, धारा 370 हटाने से हम लोग की घर की परेशानियां मिट जाएगी, हमारे घर में जो भी परेशानी, अभी हमारे घर जब हम यहाँ आए थे तो गार्जियन ने कुछ किसी से पैसा मांग करके दिए थे। सच्चाई है भाई, पहली बात उनको अधिकार किसने दिया सेना का वर्दी पहनने का भाई, भाई क्यों पहन सकते हैं भाई वो? आपने बोले उनके दाढ़ी जो बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन आपने एक बात सुने होंगे कि हर एक सुंदरता के पीछे जो है कोई ना कोई खतरनाक चेहरा होती है, तो वही बात है भाई, गुलाब सुंदर होती लेकिन उसमें कांटा होता। खतरनाक बोल रहे हैं मोदी, बहुत बहुत खतरनाक है ये। आपको पता ही है कि देश को, हमारे भारत देश को भारत माता कहा जाता है, तो आप एज अ महिला कैसे देखते हैं इसको, क्या वाकई भारत माता है, सरकार इसको मानती है? मानती होती तो महिलाओं की मतलब महिलाओं को तकलीफ में नहीं देखती आज सरकार, इतनी तकलीफों में है आज महिलाएं, बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज हम रास्ते पे आ गए हैं लड़कियां, फिर भी सरकार को मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। रोज मतलब कोई ना कोई ऑफिस में जाते हैं कि परमिशन के लिए, तब भी परमिशन नहीं मिलती लड़कियों को जी। तो मतलब काफी परेशान है आप लोग? हाँ, काफी परेशान है हम लोग। बिल्कुल, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही रिक्वेस्ट है हमारी अब कि
जो बच्चे मतलब यहाँ है उनके बारे में सोचा जाए, जो न्यू वैकेंसी आ रही है उसमें से कुछ जगहें हमको दे दी जाए। अब तो आप निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, जो मोदी जी कह रहे हैं कि निजीकरण जो है समय की अब ज़रूरत है, उसका विरोध कर रहे हैं आप? जी हाँ, पूरे तरीके से। आपको पसंद नहीं है निजीकरण? नहीं। लेकिन गवर्नमेंट तो कह रही है, वो अड़ी हुई है, मोदी सरकार तो कह रही है कि हम सारे सेक्टर को निजीकरण करेंगे, तो इसमें तो आपकी वैकेंसी चली जाएगी, फिर तो आपको जॉब भी नहीं मिलेगा, तब भी आप बैठे रहेंगे यहाँ पर? हाँ, जब तक की जॉब नहीं मिलेगी तब तक की कहीं नहीं जाएंगे हम। अच्छा, तो जिस तरीके से निजीकरण पे सरकार अड़ी हुई है तो जॉब नहीं मिलेगी, तब क्या करोगे फिर? भाई पहले तो हमारी ये वैकेंसी आने वाले वैकेंसी पर ना वो लगा सकती है, उसका अधिकार है। जब जो अभी हमारी प्रेजेंट बच क्लियर हो चुका है, जो अभी बाकी है सीटें वो तो हमें दे सकती है। मैं केवल मेडिकल फील्ड की बात नहीं करूंगा, सही बात है। जो यहाँ लड़ रहे हैं मैं केवल उन्हीं को कहूंगा सरकार को कि उन्हीं को बस दे दे। अच्छा, मोदी जी सेना की वर्दी पहन के जाते हैं, सेना में घूमते हैं, सेना के लोगों से हर बार मिलते हैं, जाकर के उनके मंत्री भी मिलते हैं, तो क्या वो छलावा है, दिखावा है या सच्चाई है? भाई पहली बात तो उनको अधिकार किसने दिया सेना का वर्दी पहनने का? भाई भाई क्यों पहन सकते हैं वो? भाई वो जबरदस्त वो सेना पहना रही अच्छी बात है, लेकिन इनको अपना उनका उसका सेना का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि भाई यू उस योग्य होते तो मैं कह देता भाई कल भाई नेता कभी भी उनकी क्वालिफिकेशन नेता की किसी भी क्वालिफिकेशन निश्चित नहीं होती कि कितना पढ़े लिखे हों, लेकिन इसमें जो सेना होता है उसकी एक क्वालिफिकेशन होती है, सेना का जमान। हम 10th पास हैं, हमने पेपर पास किया, रिटर्न किया, फिजिकल किया, मेडिकल किया, हर संघर्ष पूरा करने के बाद ट्रेनिंग किया, तब जाके बनते हैं भाई। कोई भी सिविलियंस जाके सेना का वर्दी पहनने का उसका तो पहली बार तो अधिकार नहीं है, लेकिन उसका जब प्रोटोकॉल तोड़ा जाता है तो इसमें सेना को हम दोषी नहीं ठहराएंगे, इसमें तो नेता ही का दोषी होना चाहिए। मोदी जी देशभक्त नहीं लग रहे हैं आप? देशभक्त कहाँ के भाई, जब प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं तो केवल गार्ड, पर्सनल गार्ड तो आपने देखा होगा ATM के बाहर लगे होते हैं, हैं? तो भाई देशभक्ति आज पिछले कितने सालों से हमारे जवानों ने शहीद हुए, कितने शहीद हुए होंगे इन चीज़ों में? भैया एक बात मैं पूछना चाहता हूं उनसे, क्या प्राइवेटेशन कर देंगे, गार्ड वो जो है ना मर जाता है सड़क पे एक्सीडेंट हो जाता है, क्या उसको शहीद का दर्जा देते हैं? ऐसी हालत हो जाएगी हमारे जवानों की, देश के जवानों की। अभी जो सम्मान है उनका ना तो बरकरार है, है ना, जब इनका प्राइवेटेशन कर देगा तो कोई भी खरीद लेगा, है कोई भी फुटबॉल जो फुटवेयर की दुकान भी लगाएगा ना, कहेगा भैया एक भेज दे मेरी दुकान की समस्या है, चोर बहुत है, कोई भी खरीद लेगा सेना के जवान को, पुलिस प्रशासन को लगवा लेगा दो दो तीन तीन करके। भाई सरकारी जो सरकार का जो लगता है शील वो बहुत महत्वपूर्ण होता है भाई, वर्दी महत्वपूर्ण तो होता ही है साथ में, लेकिन वो महत्वपूर्ण होता है उस सम्मान के लिए, सरकारी थप्पा जो होता है वो सम्मान की बात है। नहीं प्राइवेट कर देंगे कोई भी कंपनी भाई, अगर वो 1 लाख 2 लाख 5 लाख की दुकान खोलता है फुटवेयर कपड़े, कोई भी अप्रोच कर सकता है भाई कि हमको दो दे दो, हम दे देंगे उनको वेतन। जैसे एजेंसियां नहीं चलती हैं कि गार्ड की एक कोई ठेकेदार हो जाता है भैया कि मैं अब ठेकेदारी चलाऊंगा, ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाएगा। आप कहाँ से आए हैं साथी? गुजरात से आए? केरल से आए? गुजरात। अरे मोदी जी के राज से आए हो यार, आप तो हैं पकड़े गए आप वापस में, सीधी सी बात है। अच्छा बताओ मोदी जी कुछ कर नहीं रहे हैं गुजरात में? कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या ये सब दिखावा ही तो कर रहे हैं। लेकिन गुजरात का भी जो चुनाव हुआ था वो जीत गए मोदी जी? कहाँ, आम आदमी पार्टी ने 27 सीट मार ली ना सूरत में, वो तो दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे तो मोदी जी है ना। वो तो है, मगर आप दूसरी बार दिखा देंगे हम उसको? अच्छा दिखा दोगे? आप दिखाएंगे। अच्छा अभी मैंने कुछ युवाओं से बात की, वो लोग कह रहे हैं वोट नहीं दोगे यार, ये कैसा मामला हुआ कि वोट नहीं दोगे अब आप लोग? जब तक ज्वाइनिंग नहीं दे तब तक तो हम वोट नहीं देंगे अब। अच्छा तो ये लव कुछ भाई, ये जो मामला चल रहा है कि वोट नहीं दोगे, ये समर्थक क्यों कर रहे हैं लोग? सही बात है, वोट किस लिए देंगे? वोट इसलिए हम देते हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ करे भाई, वो तो हाथ जोड़ के उनको वोट मिल जाता है, लेकिन हाथ जोड़ के हमको नौकरी नहीं मिल रही भाई। आज एक महीने से दर दर की दफ्तर जा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी करवा दो, हमारा सहयोग करो, हमको कोई नहीं सुन रहा। वो जाएंगे हम जिस दिन इलेक्शन होता है, जब इलेक्शन का टाइम आता है, बस वो पाँव नेता कहते हैं कि है कि गए पाँव में पड़े, प्लीज़ इस बार वोट मतदान दीजिएगा, है आपका काम तो मतदान से हो जाता है, फिर यहाँ आने के बाद ऐसी पैरामिलिट्री फोर्स लगाते देते हो जाते, तो उतना तो भैया हमने बॉर्डर पर ना देखा होगा जितना आपके द्वार पर लगी होंगी। आधे से ज़्यादा पैरामिलिट्री यहाँ के सांसद, विधायक, मंत्री सब उन्हीं के पास, सिक्योरिटी उन्हीं के पास। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम भाई साहब चले जाएं अमित शाह के घर, अभी भटक के गलती से, तो वहाँ 10 पैरामिलिट्री फोर्स घेरे, कहाँ से आया
क्या कर रहा था यहाँ के, किस मकसद दे रहा है भाई, जैसे आतंकवादी ऐसे ट्रीट किया जाता है, ऐसे ट्रीट किया जाता है आतंकवादी भैया मेरे। जब तक इनको वोट नहीं देते तो चरणों में गिर पड़ते हैं भाई, बहन जी, माता जी, भाई साहब, हम हमारे भगवान है, देवता है, फलाना ढिमका करके फुसला के ले लेते हैं वोट। हम मान भी जाते हैं कि भाई हमने तो मोदी को इसलिए वोट दिया था भाई कि इनके पीछे कोई नहीं है, ना इनका परिवार है, ना मतलब संत आदमी है भाई, करेंगे तो हमारे ही लिए करेंगे ना, हमारे ही लिए करेंगे, किसके लिए करेंगे, पैसा खाएगा किसके लिए खाएगा भाई, कहाँ रखेगा पैसा, हमारे लिए करेगा। लेकिन इनके दाढ़ी के पीछे तो कुछ और ही मसला निकल गया भाई। अच्छा। ये तो प्राइवेटेशन प्राइवेटेशन में देश को बेचना शुरू कर दिए। अरे कुछ लगाओगे भी क्यों, उखाड़ते ही जाओगे। लेकिन सुंदर तो लगते हैं दाढ़ी में एक बात। अरे सुंदर उनके सुंदरता पे भाई उनकी शादी थोड़ी हो जाए, शादी करवाना ऐसी बातें यार, उनको सुंदरता को क्या लेना देना है, मन से सुंदर होना चाहिए भाई। तन से सुंदर क्या मतलब, मन उनका, अगर मन उनका महिला है तो सामने से खूबसूरत है तो क्या मतलब निकलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। मेन चीज हम इनको इसलिए सोचे थे कि हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, इनकी सोच समझ हम इनसे अलग, दूसरे नेताओं से अलग होगी, हमारे लिए कुछ करेंगे। एक चाय वाला हम गरीबों के लिए सोचो कितना करेगा, सही बात है। लेकिन ये तो चाय के धंधे वाले इंसान चाय ही सुझाव दे रहे हैं, ये कैसा हो गया, मतलब चाय के धंधा आपने किया तो सबको चाय बिछवाओगे आप, पकौड़े ही तलवाओगे, उस धंधे पे ना ले जाओ आप, आपको जिसके लिए बनाया गया है वो आगे आगे काम करवाओ। पकौड़े भी कैसे तलोगे, हाथ तोड़ दिया उन्होंने तो, कैसे तलोगे पकौड़े भैया, पकौड़े भी ना तल सकते हैं, पकौड़े भी तलने का लायक भी नहीं छोड़ा है अभी उन्होंने तो। क्या हालत कर दी है, आपको लगता था कि ऐसे दिन देखने को मिलेंगे कभी? नहीं नहीं, कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि ऐसे दिन मिलेगा, और सामने भी युवाओं को कौन से दिन देखना पड़ेगा, ये सरकार है तो बहुत बुरे दिन देखना पड़ेगा, ऐसा मेरे को लगता है अभी से। अच्छा, आपने जब तैयारी की होगी, बड़े सपने देखे होंगे आपने उस वक्त, मेहनत भी बहुत की। मैं तो 5 साल से तैयारी कर रहा था, 2018 के पहले 5 साल से था, तो 2018 में नहीं कि भर्ती के लिए शामिल हुआ था, फिर रिटर्न दिया, रिटर्न के लिए नहीं कि थोड़ा बहुत पैसे खर्चे, 5 साल के जो प्रिपेयर हुआ था उसके लिए, बाद में इवेंट हुआ मेडिकल, और सबको बहुत बहुत बोलते बहुत खर्चा हुआ मेरा, 5 साल की जो माँ बाप कमाई थी ना जो पूरा दाव पे लगा दिया, दाव पे लगा के, और नहीं कि मोदी ने मेरे को एक गिफ्ट दे दिए, ये गिफ्ट दिया, तोहफा है, ये तोहफा है, बहुत बड़ा तोहफा है। वो तो विकलांगों से भी बात करते हैं एक तरीके से देखते हैं, विकलांग कहाँ है भाई, क्यों बात करते हैं वो भी बात बता, जब मोदी विकलांग से बात करते ना मतलब मैं भी बना सकता हूँ विकलांग, ऐसा नहीं कि सब कुछ सुझाव देता है, जो युवा है ना जो अच्छा मेहनत करते है ना उसको भी मैं बन सकता हूँ। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि जबरदस्ती विकलांग बना देते हैं मोदी, तो बना भी सकते हैं उन्होंने, घटाने की बात नहीं है वहाँ, बनाने की बात है। जो विकलांग से बात करते हैं ना मोदी जी, मतलब तुम विकलांग हो ना, तुम्हारे साथ और 2-4 को भेजूंगा, वो भी यंग युवाओं को भेजूंगा मैं, टूटे फूटे वालों को नहीं भेजूंगा, मैं बना के भेजूंगा, ऐसी बात बोलते हैं, लाइन में लगाएंगे सबको जी, एक साथ करेंगे, एक साथ करेंगे। आपने बताया भैया, अच्छा एक बात बताइए, आप कहाँ से हैं, आपका जी? नाम? मैं बिहार से सुपौल डिस्ट्रिक्ट त्रिवेणीगंज प्रखंड से हूँ। आपका नाम? मेरा नाम दिलीप कुमार है जी। अच्छा। और मैं भी एसएससी कैंडिडेट 2018 की भर्ती का कैंडिडेट हूँ। मोदी जी को वोट दिए थे? जी जी, मोदी जी को ही वोट दिए थे, बहुत बहुत सपना के साथ दिए थे, बहुत सपना सजाए हुए थे कि हमारे देश के लिए इतना सरकार आए कुछ नहीं किए लेकिन ये जरूर करेंगे, लेकिन उसका जो है बिल्कुल अपोजिट उसका रिजल्ट मिला है। आपने बोले उनके दाढ़ी जो बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन आपने एक बात सुने होंगे कि हर एक सुंदरता के पीछे जो है कोई ना कोई खतरनाक चेहरा होती है, तो वही बात है भाई, गुलाब सुंदर होती लेकिन उसमें कांटा होता है। खतरनाक बोल रहे हैं मोदी जी? बहुत बहुत खतरनाक है ये, खतरनाक नहीं भाई, हम लोग में सभी योग्यता रहते हुए हम लोग रोड पे डंडा खा रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, तो फिर ये खतरनाक नहीं तो भाई कैसे अच्छी एक नीति है क्या ये? अच्छा नीति का तो हमें नहीं लग रहा है कि अच्छा नीति हो सकता है ये। और जहाँ तक वोट लेने का बात रहा, तो सरकार वोट मांगने हमसे आएंगे क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनने के लिए, तो हम लोग आत्मनिर्भर भाई, वो भी आत्मनिर्भर अपना हो जाए, तो वोट मांगने की यहाँ बचा कोई बात तो बचा नहीं, बिल्कुल, क्योंकि हम लोग आत्मनिर्भर वोट लिया लेकिन वादा पूरा किया, राम मंदिर बनवा तो दिया। राम मंदिर में क्या करेंगे भैया, हम लोग जब सभी राम मंदिर में जा करके बैठेंगे तो देश का सेवा कौन करेंगे, देश की सुरक्षा कौन करेंगे, फिर तो सारे तो वहीं चल जाएंगे,
राम मंदिर बनवाए हैं, क्या राम मंदिर बनवाने से हम लोग की परिवार की जो आशा थी, परिवार जो हम लोग का इतना मेहनत करके पढ़ाए लिखाए हैं और उनकी एक आशा थी हमारे बेटे जब जॉब करेंगे तो हमारी घर की परेशानियां जो है मिट जाएगी, हम लोग की राम मंदिर बनाने से मिट जाएंगे, धारा 370 हटाने से हम लोग की घर की परेशानियाँ मिट जाएगी, हमारे घर में जो भी परेशानी अभी हमारे घर जब हम यहाँ आए थे तो गार्जियन ने कुछ किसी से पैसा मांग करके दिए थे, क्या वो धारा 370 खत्म करने से हम उनकी जो पैसा लिए हैं उनकी खत्म हो जाएगी। हम सरकार से एक बहुत बड़े 70 साल से नहीं सॉल्व हो रहे थे, अब जाके सॉल्व हाँ ये भी बड़े तो है सर, छोटी सी चीज़ है, कहने में और करने में बहुत अंतर। सरकार जो जब भी आती है ना इलेक्शन टाइम में तो वो झूठे झूठे वादे करते हैं, वादे उनका जी तलाक हटा दिया जी, राम मंदिर बनवा दिया, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं जो सालों से चल रहे थे, नौकरी छोटी सी चीज है जी, वो तो कांग्रेस की देती थी। बिल्कुल सर आप सही बात कर रहे हैं, लेकिन हम आपसे ये बात पूछना चाहते हैं, धारा 370 हटाने के बाद और धारा 370 हटने के बाद किसी घर की जो है गरीब घर की चूल्हे का जो मान चलो किसी का आशा कोई आशा लगा करके बच्चा को बड़ा किया और उसको पढ़ाया लिखाया है और उस योग्य बनाया है तो क्या सर उनके घर की चूल्हा जो अभी बंद है सर क्या उनका चालू हो जाएगा क्या धारा 370 हटाने से है? सर सर वो बोले आत्मनिर्भर, लेकिन वो जब खुद ही बोले आत्मनिर्भर और खुद ही आत्मनिर्भर ना हो तो फिर ये बात लागू कहाँ होती है, हमें तो ये बात बता दीजिए, वो आत्मनिर्भर है तो फिर हम लोगों से वोट क्यों मांगने आते हैं, आप हमें ये बात तो बता दीजिए। भैया भी खुद बोले हैं कि हमारे पिताजी क्या कहते हैं बेटे तुम आत्मनिर्भर बनो और वो खुद ही दूसरे के हाथ आगे हाथ फैलाते हैं, तो फिर ये कहाँ की रीति है, कहाँ उनके ये कहाँ नीति है, ये कहाँ की नीति है, हम ये पूछना चाहते हैं। अब हम देखिए हम उनके जैसे बिना किए बिना मेहनत किए जा कर के हाथ नहीं फैला रहे हैं, हम लोग जो है पूरा मेहनत किए हैं, एक पैरामिलिट्री फोर्सेस में जो भी योग्यता होती है वो हम लोग क्वालिफाई कर चुके हैं, उनके जैसे नहीं है कि बिना दौड़े बिना फिजिकल किए बिना मेडिकल किए बिना रिटर्न दिए जा कर के हाँ वर्दी पहन लिए, हम तो भाई सैनिक है सैनिक, हम तो देशभक्त है, छप्पन इंच का सीना है, 56 इंच का सीना है तो कौन सा वो फौजी में चले आए हैं, 56 इंच के सीना रहने से वो उन्होंने ही पाकिस्तान को डराया अपनी लाल आंखें दिखा के, आप कैसी बात करें। एक बात बताइए भैया, जो एक देशभक्त सच्चा देशभक्त अभी जो है सैनिक को माना जाता है, जो सैनिक के पास जो योग्यता होती है क्या सैनिक में ये कहीं पे मेंशन किया हुआ है कि 56 इंच सीना रह करके आप देशभक्त हो जाओगे या सैनिक में आ जाओगे, ऐसा है कहीं कुछ, क्या ऐसा तो नहीं है ना, उसके लिए जो क्वालिफिकेशन होती है जो मतलब एक उसका फिजिकल मेडिकल जो स्टैंडर्ड होता है वो क्वालिफाई करना होता, ना कि बिना क्वालिफिकेशन का जा कर के हाँ वर्दी पहन ले भाई हम तो सच्चा देशभक्त है, ऐसे करने से कोई हो जाता तो है क्या, देशभक्त नहीं लग रहे हैं, बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। अब हम लोग को देखिए, हम लोग जो है सभी चीज़ उनका जो भी योग्यता होती है वो योग्यता हम लोग क्वालिफाई कर चुके हैं और हम लोग जो है IAS IPS की नौकरी नहीं मांग रहे हैं, हम लोग देश सेवा का ही तो नौकरी मांग रहे हैं और हम लोगों में योग्यता भी है, तो फिर हम लोग को क्यों नहीं सरकार हमारी क्यों नहीं सुन रही, अब हम लोग आज 20 से 25 रोज से भटक रहे हैं रोड सड़क पे और उनकी पुलिस प्रशासन हम लोग की बार बार लाठी चार्ज कर रही है, तो सरकार आज क्यों नहीं सुन रही है, जो सरकार मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार कहती है कि आज की युवा कल की भविष्य है, फिर आज भविष्य को कहाँ ले जा रहा है सरकार, जब आज को देखिए सही मेडिकल फिट लड़का को आज विकलांग बना जा रहा है अपाहिज बना जा रहा है, अनमेडिकल फिट हो गया तो आज सरकार कहाँ है, आज सरकार क्यों नहीं सुन रही है, अब बताइए कहाँ की है भाई, कहाँ अब कहीं का रहा है ये क्या, मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से, सरकार जो है सिर्फ झूठे वादे करते हैं लेकिन वो कुछ करते नहीं, युवा को जो है ना कहते हैं युवा का भविष्य जो है हम बदलेंगे, लेकिन युवा का भविष्य इतना बदल दिया, देखिए भैया सही युवा को जो सही कम से कम अपना पकौड़ी भी तलने के लायक रहता उसको भी अनलाइक कर दिया, अब ये कहाँ के हैं भाई, अब क्या करेंगे, दर्दनाक स्थिति जी, बहुत घर वाले घर पर रो रहे हैं और हम लोग यहाँ पर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, हम लोग की गलती क्या है, गलती बस इतना ही है कि हम लोग सपना से आए थे देशभक्त मतलब देश का सेवा करने का और वो योग्यता जो होनी चाहिए वो योग्यता का तैयारी 5 साल जब तैयारी करते जब जा करके रनिंग निकलती है भैया, बहुत मेहनत करना पड़ता है, एक बार रनिंग तो करके देखे ऐसे वर्दी पहन लेने से फौजी नहीं बन जाती है, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कम से कम हम लोग की जो ख्वाहिश है जो हम लोग की देशभक्ति का जो हम लोगों में जो जुनून है और जो हमारे पास योग्यता उनको देखते हुए सरकार जो हम लोग को जो भी हमारा हक देने की कृपा करे, नहीं तो ये तो कन्फर्म है भैया अगले बार BJP की सरकार बिहार में मैं नहीं आने दूंगा।
अच्छा बिल्कुल चेतावनी दे रहे हो? बिल्कुल चेतावनी है ये, बिल्कुल हम कोशिश करेंगे। हम जिला अध्यक्ष भी हैं बीजेपी के? नहीं, हम नव निर्माण भारत से हैं और हम जिला अध्यक्ष भी हैं युवा मोर्चा के। तो हमारी ये कोशिश रहेगा जितना भी युवा हो सके मैं उनको आगे करूँगा और इस बीजेपी मुक्त बिहार बनाने का मैं कोशिश करूंगा। इस सरकार में जब हम लोगों को योग्यता रहते हुए नौकरी नहीं मिल रही है, हमें अपना हक नहीं मिल रही है, हक के बदले हम लोग को लाठी मिल रही है, मतलब जो नहीं होना चाहिए वो दुर्व्यवहार हम लोग के साथ किया जा रहा है, तो फिर क्या करेंगे? अभी तो डिसीजन लेंगे ना। जी जी, और आप पहले बोले थे क्या कि मिथुन चक्रवर्ती बहुत जो है प्रसिद्ध है और अच्छा कलाकार है, तो वो आए हैं इसमें, तो वो क्या बंगाल में बीजेपी? जी, आप इस बात को जानते होंगे, जैसा देश वैसा भेष। तो जैसा देश है मतलब जिस प्रकार से आगे की जिसमें ज्वाइनिंग किया है तो वो भेष तो पकड़ना ही पड़ेगा। अगर वो भेष नहीं पकड़ेंगे तो आप कभी कितना देखे होंगे बीजेपी वाले क्या करते हैं, मतलब जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं उनको साफ खत्म ही कर देते, मतलब अलग ही कर देते हैं। तो वही करेंगे, उनको भी हटा देंगे और क्या करेंगे। बिल्कुल यही भाई। तो ये हैं, बहुत समय से एक महीने से ये लोग यहाँ पर पड़े हुए हैं, बेरोज़गार हैं, एसएससी जीडी 2018 के कैंडिडेट हैं, सभी लोग न्याय की मांग कर रहे हैं और बहुत परेशान हैं, इनके हाथ पैर भी तोड़ दिए गए हैं। अगर यह वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो जितने भी लोग देख रहे हैं और भी जो लोग एसएससी जीडी के कैंडिडेट हैं, इन लोगों का कहना है कि आप लोग भी इनसे आइए ताकि इनका हौसला बढ़े, इनको हिम्मत मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।